जी नमस्कार। आज दुनिया मजदूर दिवस के रूप में हर मजदूरों को याद करती है। मजदूर मेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। मजदूर के बगैर दुनिया का निर्माण संभव नहीं है। मुझे लगता है कि मजदूरों का जो नारा था, दुनिया के मजदूर एक हो, शायद कोरोना वायरस के बाद एक बार फिर भारत में मजदूरों एक हो का नारा, गरीबों एक हो का नारा, किसानों एक हो का नारा, छात्रों और युवाओं बेरोजगारों एक हो का नारा देना होगा। दुनिया के मजदूर नहीं, भारत के मजदूर एक हो। नेताओं को मजदूर दिवस के दिन भी कोई शर्म नहीं होता, बस मजदूर को खैरात बांटना है। सात करोड़ से ऊपर मजदूर पूरे भारत में काम करते हैं। दो करोड़ मजदूर शहर इलाके में, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। बारह करोड़ की आबादी में 1.60 करोड़ मजदूर बिहार के बाहर जाते हैं, काम करते हैं। नहीं, 1.60 करोड़ नहीं, 1.60 करोड़ लगभग मात्र लोग वहां किसान है। सबसे ज्यादा आप इस बात का ख्याल रखिएगा, कि जनगणना के मुताबिक 1.61 करोड़ लोगों के पास खेती के लिए अपनी जमीन है, और इसमें भी सीमांत मार्जिनल किसान आबादी सबसे अधिक है। सीमांत किसान उन्हें कहा जाता है जिनके पास जमीन बिल्कुल शून्य है। पलायन का गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध। बहुत पहले बिहार में यह समस्या नहीं थी, जब बिहार बड़ा और व्यापक था। यह समस्या 40 साल 35 सालों से अत्यधिक बढ़ी। मात्र 10% मजदूर बिहार लौटते हैं, 90% बाहर में काम करते हैं। रोजगार देने वाला सबसे बड़ा सेक्टर जो कृषि है बिहार में, उद्योग तो खत्म है आप भी जानते हैं, और कुछ भी नहीं है। कृषि वृद्धि दर 1% या 2% कभी शून्य हो जाती है। 2019 में जारी हुए प्रवास रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में लगभग 11 लाख, महाराष्ट्र में 6 लाख, उत्तर प्रदेश में 10 लाख 11 लाख, बंगाल में 11 लाख, गुजरात में 4 लाख, पंजाब में 4 लाख, असम में 2 लाख। ये बड़े शहरों का मैंने बताया, यहां बिहार के मजदूर। जर्नल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक स्टडीज के मुताबिक 2012 में और माइग्रेशन फॉर्म बिहार कॉज एंड कंजक्शन शीर्षक में छपे शोध पत्र के मुताबिक 27% आबादी रोजगार के तलाश में बाहर जाते हैं और 20.8% आबादी कुछ बेहतर रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। ये बिहार का होता है। अब बिहार में 35 सालों में इन लोगों की चिंता नहीं थी कि रोजगार हम पैदा करें। अब तक 180.64 लाख जॉब कार्ड जारी हुए, लेकिन 51.76 लाख जॉब कार्ड ही सक्रिय हैं। 254.57 लाख कामगार पंजीकृत है,
जिनमें महज 7.68 लाख कामगार ही सक्रिय। ₹100 करोड़ इस तूफानी परिस्थितियों में जून तक राशन कार्ड धारकों के लिए लागू किया। अब 2005 के पहले और 2005 के बाद आपको समझना होगा कि क्या स्थिति है। आय सबसे निचले पोदान पर है, 1195, 90-91 में थी, 92-93 में 1091 रह गई। आप ये बताइए, दुनिया देश में सबसे प्रथम पुरुष दो परिवार में एक व्यक्ति बिहार बाहर जाता है और महिलाओं की संख्या भी द्वितीय है। अब मैं समझ नहीं पाता हूं 1971 के बाद यह स्थिति बढ़ती चली, हमारा पैसा भी लगभग बाहर जाता है। बैंकों, खदानों, राष्ट्रीयकरण के बाद एक बड़ा कारण पूंजी का पलायन, बिहार में नहीं रह पाता। अब आप सोचिए, मैं वर्तमान सरकार से पूछना चाहूंगा कि 2005 के बाद सबसे ज्यादा पलायन बिहार क्यों किया? केंद्र में भी आप रहे, अटल जी के साथ भी रहे, 6 सालों से सरकार में हैं, पहले भी आप बीपी सिंह के साथ सरकार में थे। आप लोगों ने बिहार के उद्योग या ये जो बात कह के पीठ थपथपाते हैं कि भारत के निर्माण में बिहार की भूमिका है, कोरोना वायरस में यह बात पता चल गई कि निर्माण करने वाला बिहारी सिर्फ लात, गाली, गोली, अपमान, नफरत, तिलांजलि, नेताओं की तिलांजलि, नफरत, उन्हें लगता है कि ये मजदूर वोट के समय नहीं आते हैं मेरे यहां, हमारी क्या जरूरत। यूथ बाहर ही रह जाता है और माफियाओं से वोट मिल जाता है। नीतीश जी, आपकी नीयत क्यों सही नहीं? ये आप बताइए, 7 करोड़ मजदूर बाहर है जिसमें सबसे ज्यादा संख्या आपकी है, कब जो बिहार के लोग बाहर का निर्माण करते हैं वो बिहार का निर्माण भी कर सकते हैं सबसे ज्यादा अपने घर में रह के? इस इनकलाब की इस जिद की जरूरत हो गई? अपनी मिट्टी से ही इतनी नफरत करवा दिए आप कि हमें बोझ समझने लगे, तो मैं अपनी मिट्टी को मजबूत क्यों ना करूं? सदियों से बाहर में जितना कमा ले, घर में सम्मान नहीं है तो जीवन राख के बराबर है। और आज हमारे ही मिट्टी से हमें अलग किया जा रहा है। हम दुनिया में देश में जाकर के अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। किस समय बिहार सरकार और आपने जिस तरीके से एहसास करा रहे हैं कि तुम अनाथ हो, तुम्हारा कोई मां बाप नहीं है, ये अनाथ शब्द जानते हैं नीतीश बाबू कितना गहरा दाग लगेगा? क्या हुआ, हर बिहारी ब्रांड गर्व करता है बिहारी? 25 लाख से 35 लाख तो फॉर्म आ गए आपको, आपको दर्द नहीं होता? कब आप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी इज्जत से देखेंगे बिहारियों को?
कब इज्जत मिलेगी बिहारियों को, कब ब्रांड बिहार, बिहारी जो है ब्रांड बिहार या युवा बिहार के नाम से कब जाना जाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आता, हमारे पास पैसे नहीं है, हम फेंके हुए केला छील के खा रहे हैं, कुत्ता बंदर जिसको छोड़ दिया, हमारी जिंदगी दो कौड़ी की हो चुकी है। आप जिन्होंने कोरोना वायरस लाया उसके लिए प्लेन फ्री करके उनको दिल्ली लाए, अमीरों को ठीक है लाए, अच्छी बात है, उनके लिए प्लेन फ्री रहा, और आज भी आप उनके लिए सब कुछ फ्री कर रहे हैं, लेकिन भूखे नंगे मजदूरों को, श्रमिक ट्रेन की बात करने वाले बच्चों के लिए आप पैसा वसूल रहे हैं। आज भी आपकी नजर मेरे भूखे नंगे मजदूरों पर है, क्या इन मजदूरों को, इन बच्चों को आप की ट्रेन, इन ये जो साधन है भारत का, इस पर किसका अधिकार है, नेताओं का, पूंजीपतियों का, किनका, अमीरों का, मजदूरों का, गरीबों का, ये जो हर राज में जाके आपके अर्थ को मजबूत करता है, बिहारी, उत्तर प्रदेश, पंजाब में जाके, मध्य प्रदेश के मजदूर, बिहार के मजदूर, झारखंड के मजदूर, ये जो युवा आपकी इकोनॉमी में सबसे बड़ा, आज आपने उसको इतनी लाठी क्यों मारा, आज आपने उसको इतना टॉर्चर क्यों किया, आज जिसके पास खाने नंगे एक रुपये नहीं है, मैं घोषणा करता हूं आप जहां भी ट्रेन दोगे, दिल्ली में आप ट्रेन दो, जिसके पास टिकट के पैसे नहीं होंगे उसका टिकट कटवा के मैं दूंगा, आप ट्रेन दो, कोटा में जितने बच्चे हैं आप ट्रेन दो, आप उनसे पैसा मत लो, मैं जितने बच्चे हैं उसके पैसे आपके कोटा के डीआरएम के पास जमा कर देता हूं, मैं तैयार हूं, आप उससे पैसे मत लो प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूं आप, दिल्ली में जितने बिहारी हैं आप ट्रेन लगाओ, टिकट चाहिए, टिकट जितने बिहारी हैं आप उसका फॉर्म भरवाओ और उसके टिकट के पैसे पप्पू यादव से जोड़ो, आप बिहारियों से मत मांग, आप सोशल डिस्टेंस करो, बिहार के इकोनॉमी में सबसे बड़ी भूमिका मजदूरों की, गरीबों की, युवाओं की, मिडिल क्लास की, किसानों की, जबकि सबसे ज्यादा कृषि प्रधान राज है, उसके बाद सबसे ज्यादा पलायन, उद्योग और की तो चर्चा छोड़ दीजिए, और मौसमी जो मजदूर हैं वो 2 करोड़ लगभग हमेशा बाहर रहते हैं, प्रवासी मजदूर अलग, मौसमी मजदूर अलग, आप करिए ना, मैं बच्चों के लिए और खास तौर पर दिल्ली, कम से कम दिल्ली, मैं सबका नहीं कर सकता, मेरी वो हैसियत नहीं है, मैंने अभी आचार्य रविशंकर जी से बातचीत की, अभी की, उन्होंने कहा कि जहां भी बिहार और के मजदूर प्रवासी हैं उनके खाने की व्यवस्था मेरे तरफ से भी होगी, आप करो, 5 करोड़ लोगों को उन्होंने, हम लोग आग्रह किए, उन लोगों ने लगभग लोगों की मदद की, गुरुद्वारे से लगभग बिहारियों को हम लोगों ने खाना पहुंचवाया, कई मदरसों से, सभी जगह, आपकी भूमिका क्या थी, हमें क्या प्रधानमंत्री जी
आप भूल गए चाय वाले गरीब क्या होता है दर्द। नीतीश बाबू, जब हेमंत सोरेन और अनराज अपने पैसे पर ले जाती है और हेमंत सोरेन जब फीस माफ कर दिया तो आप क्यों नहीं करते। जब नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश जी, जब आप आम लोगों से किराया माफ करने की बात करते हो कि किराया ना लो, तो फिर आप किराया क्यों मांग रहे हो? मैं आपसे जानना चाहता हूं। पब्लिक से बोल रहे हो किराया ना लो, जो किराया आपको देना चाहिए। आज वो पब्लिक भी परेशान है जो किराए में रख रही है, उसके पास भी खाने नहीं होंगे। कोटा रेड जोन बन चुका है और हमारे बच्चों को आप मारना चाहते हो। हमारे बच्चे रो रहे हैं, परेशान हैं। आपके एमएलए एमपी गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं 1 करोड़ रुपया दे दिया, इन एमएलए एमपी के बाप का पैसा है क्या? और बिहार स्पेशल ट्रेन, ये तय करना पड़ेगा बिहारियों, और ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या कहते थे गांधी और अंबेडकर, मार्क्स, लेनिन। जब तक देश का संसाधन आर्थिक न्याय और असली आजादी तब होगी जब न्याय, संसाधन और आर्थिक सुविधा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। ऋषि कपूर जी डेथ किए, बहुत दुख है, उनके परिवार के लिए चार्टर प्लेन हुआ, अच्छी बात है। लॉकडाउन, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या होगा, मैं जानना चाहता हूं। 70 सालों के बाद देश के संसाधनों पर मजदूर और गरीबों का अधिकार नहीं है। मैं नीतीश बाबू, जब कभी मुश्किल में बिहारी होता है देश में तो सब लोग साथ क्यों छोड़ देते हो? बिहारी तो किसी का साथ नहीं छोड़ता है? देश के संविधान में जो लिखा है, जनता का जा अजनता के लिए, ये हम जानना चाहते हैं। क्या तोहफा दिया मजदूर दिवस पर? ये दो हजार ट्रेन चलानी पड़ेगी लगभग 25 लाख मजदूरों के लिए। अंठानवे % मजदूरों के पास पैसे खत्म हो गए। मुझे समझ में नहीं आता है इन लोगों के बारे में। तीसरे बार लॉकडाउन बढ़ गई। कभी आप सोचते हो कि जीवन यापन कैसे जिएंगे मजदूर? रोजी रोटी और रोजगार के लिए आपने कोई चर्चा नहीं की? बाजार कुछ खुलेंगे, ग्रीन जोन होगा, लेकिन मजदूरों का क्या होगा, रोजगारों का क्या होगा? ये जो जमा खर्च है आपका, ये श्वेत पत्र आप लाइए कि कितनी जांच हुई, और क्या ये तीसरे लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा? 2 सप्ताह में कितना टेस्ट हुआ और आप आगे कितना करेंगे? और प्रधानमंत्री जी, 500 रुपया में हम और आप खाना खा लेंगे 2 दिन, 1 दिन? कब आप बढ़ाइएगा 5,000? कितने को मिला ये तो दुनिया जानती है। दोनों कम से कम 10,000 से 25,000 हर मजदूरों के अकाउंट में, हर युवाओं के अकाउंट में। क्या हिम्मत करोगे? है हिम्मत?
40 दिन हो गए दाल नहीं मिली नीतीश बाबू, बढ़ा तो रहे हो। सिगरेट और दारू के दुकान भी खुल गए ग्रीन जोन में, अच्छी बातें हैं, लेकिन आपका 30% जो आबादी है जो मजदूरी करके खाता है बाहर जाके, 30% जो बाहर जाके, जो अपने जिले में राज में है उसकी बात नहीं कर रहा, उस पर तो कोई चर्चा तक नहीं की। मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार 500 के जगह 5000 रुपया करे। और जब आप जान रहे थे कि लॉकडाउन इतना लंबा खींचेगा, तो उस वक्त जिस वक्त जाने के लिए मेरे पास EMI में नौकरी करते हैं, उनका क्या होगा? 2 माह व्यवसाय ठप होने की स्थिति में संस्थान अपने कर्मियों को वेतन नहीं दे पा रहा है, ना देने की स्थिति में होगा, इस पर कोई चर्चा हुई? पूरे देश में 4% अधिक डॉक्टर और हेल्थ कर्मी कोरोना प्रभावित हो गए, उनके लिए क्या इंतजाम हुआ? कितनी पीपी किट्स आए स्टॉक में है? बचाव के लिए कितने अस्पताल, कितने बेड, कितने ICU, कितने वेंटिलेटर बिहार सरकार को दे पाई, इस पर कोई चर्चा नहीं। बस लॉकडाउन बढ़ाना है, जांच नहीं बढ़ाना है। श्वेत पत्र नहीं लाना है। हमने पैसे का क्या किया इस पर चर्चा नहीं करना है, फिर चर्चा होगी किस पे? आप करने भी नहीं देते। मैं करने के लिए तैयार हूं, मुझे आप जिम्मेदारी दीजिए ना कि आप कोटा के बच्चों को ले आए, आप वो भी नहीं करने देंगे। बिहार सरकार की नीयत कभी सही नहीं रही। पहली बार समझ में आया कि नेताओं का मोहब्बत पूंजीपति और अमीरों के लिए किस कदर है, खुद के लिए किस कदर है, अपने बीवी बच्चों के लिए किस कदर है, और मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए नफरत किस कदर, किस तरह की बात करते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो ट्रेन आप चलाएंगे उसका पूरा टिकट का फेयर हर राज्य सरकार उठाए, क्योंकि बहुत पैसे, मैं फिर कहूंगा, आप फेसबुक के माध्यम से हरियाली यात्रा के पैसे को बोलिए रोके, मेट्रो को अभी रोके। लगातार कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है, आज भी सबसे ज्यादा बिहार में बढ़े हैं, हालात गांव तक पसर रहे हैं, स्थिति अच्छी नहीं है। मैंने कहा कि कल भी बिहार से मैं 20 बस भेजना चाहता हूं, सरकार परमिशन के लिए दर दर की ठोकर, 20 बस लगी हुई है, मैंने नंबर भेज दिए, परमिशन नहीं देंगे, न करेंगे न करने देंगे, राजनीति होगी, सत्ता पक्ष और विपक्ष, सिर्फ राजनीति, सिर्फ मजे, सिर्फ इंजॉय। कहां है कौन, हालात कितने बुरे हैं, इस पर चर्चा नहीं। मेरा आग्रह है कि कोटा के बच्चों का फेयर और दिल्ली के मजदूर जो बिहार के हैं उनका फेयर तत्काल आप तय करिए। कोटा में जितने बच्चे हैं उसके फेयर मैं DRM के पास जमा कर दूंगा,
मेरे लोग वहां कांटेक्ट में हैं, आप उनसे फेयर मत लें, उनको उनके मां के पास जाने दें। और एक ट्रेन दो ट्रेन से नहीं होगी, कम से कम यदि सोशल डिस्टेंस की बात होगी और 1000, 1200, 1100 बच्चे जाएंगे तो कम से कम कोटा से 10 ट्रेन, 8 से 10 ट्रेन लगेंगे। कोटा से फेयर क्या है जनरल, आप उसको देख लें, पप्पू यादव खड़ा है। दिल्ली से मजदूरों को आप ले जाए, यहां परेशानी सबसे ज्यादा है। प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं पैर पकड़ता हूं और उससे आप फेयर ना लें। और तीसरी तरफ मैं विपक्ष से कहूंगा अभी राजनीति ना करें, प्लीज चुनाव में इस बार अपनी मिट्टी के युद्ध के लिए लड़ने दें, चुनाव के बाद फिर जितना लूटना होगा जिसको लूटिए। अभी हम सब मिलकर पहले बिहारी, बिहार ब्रांड, बिहार का सम्मान, उसकी इज्जत, उसके स्वाभिमान के लिए जीनों की बात करें। और प्लेन जो कोरोना वायरस लाया, जब उसके लिए फ्री प्लेन हो सकता है, तो जिन्होंने सिर्फ मेहनत की, कोई भारत ने बीमारी पैदा नहीं किया, उसके लिए ट्रेन फ्री क्यों नहीं हो सकती। सवाल था आज मेरा आपसे, प्लीज युवा शक्ति पप्पू ब्रिगेड के साथियों को, बिहार के साथियों को कहूंगा एक हिम्मत और, 2 सप्ताह और आप बिहार के मजदूरों के लिए खड़े होइए, जो मजदूर लौट के जाएं उसकी मदद करिए, उससे टॉर्चर मत होने दीजिए। मैं हाथ जोड़ता हूं, अपनी पेट काटिए, मैं भीख मांगता हूं, लॉकडाउन का पालन करिए, मुंह पर आप पट्टी बांधिए, सरकार की लापरवाही के कारण रेड जोन बढ़ता जा रहा है, बिहार की स्थिति शायद सबसे बुरी ना हो जाए, इसकी चिंता मुझे है, डर है। जो मजदूर 35 लाख 30 लाख लौट के जाएंगे, उसके रोजगार का और उसके खाने का क्या होगा, यह मेरी गहरी चिंता है। आप मदद करें और सरकार से आग्रह करेंगे लोगों को लाने में सियासत ना करें, गंदा खेल ना खेलें, नियत आपकी ठीक नहीं है, आप लाना नहीं चाहते। अन्य राज के लगभग मुख्यमंत्री, चाहे राजनीति के कारण ही ईमानदारी दिखाने का प्रयास किया, शायद और आपके एमएलए एमपी को 2 सप्ताह मजे लेने का मौका आ गया, ट्वीट करने का मौका और वीडियो पर बोलने का मौका, और विपक्ष को गायब रहने का मौका आ गया। नीतीश जी, चिमकी बुखार से गरीबों को बचा लीजिए, मुजफ्फरपुर की हालात अच्छे नहीं है, केंद्रीय मंत्री फिर रोना शुरू कर दिए, और आपके स्वास्थ्य मंत्री तो कोरोना वायरस के, और उप मुख्यमंत्री तो आईसीयू में जा चुके हैं। आपके बारे में मैं सिर्फ भाई कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि किस बात का डर है। रामविलास पासवान जी ने आपसे कहा कि पहले लिस्ट दो तब मैं अनाज दू, आज कहा है ना, क्या शर्म नहीं होता, अनाज आपको देने को तैयार नहीं है, या आप लिस्ट देने को तैयार नहीं है, या आप किस बात से डर रहे हैं केंद्र से, क्या कारण है कि बिहारियों के लिए आप आवाज नहीं उठाते, क्या कारण है कि आप, क्या और सत्ता चाहिए। नीतीश जी रिजाइन करो, मैं हाथ जोड़ता हूं, यदि बिहारियों का अभी सम्मान नहीं, बिहारियों की इज्जत अभी नहीं, बिहारियों को देखने वाला नहीं, छोड़ दो ऐसी मुख्यमंत्री, लात मारो, कुर्बानी कर दो, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह बिहारियों को मत मरवाओ, मांगो अधिकार, डर के मांगो, पूरा बिहार खड़ा होगा, अब तो माफी का कोई जोग नहीं बनता। इसलिए इतना डरपोक और कायर भी हो
और साथ साथ घमंडी और अहंकारी भी। प्लीज बदलो, नीयत सही नहीं है आप सबकी, आवाज उठाइए और बिहार के संसाधन से मजदूरों को लाइए। मैं कोटा और दिल्ली के मजदूरों के लिए खड़ा, और जगह जितना अकाउंट हो सकता है, मेरी स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। ये ढोंग आप देख लो, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर ये इसको क्या समझ में। आज के दिन हमारी पार्टी ने ये देख लिया है कि आज हम लोग सांकेतिक उपवास, ये उपवास कर रहे हैं सांकेतिक उपवास पे, इसलिए ये सवा महीना के बाद उपवास की बात कर, सांकेतिक उपवास, ये लोगों के बारे में आश्चर्य। ये लोग जो लोगों ने 15 साल ये हालात किए, दोनों लोगों ने मिल करके आज बदतर कर दिया जिंदगी। प्लीज, आज कोटे के बच्चे और बेटी से मेरी 100 बात हुई, इस कदर रो रहे थे मैं बता नहीं सकता। प्लीज 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 नीतीश कुमार आवाज उठाओ और बिहार के संसाधन पर मजदूर और युवाओं के अधिकार को दो। 31 मई के पहले किसानों के खेत में बीज और खाद पहुंचाओ और सरकारी पैसे पर सभी स्कूल के फीस माफ करो। यह सवाल एक सेवक का, एक बेटे का है। कोई अपने बाप, कोई अपने जात धर्म के नफरत के गठबंधन पर आप कुछ कर सकते हो। मेरा सिर्फ आपसे इतना है कि मैं बेटा हूं बिहारियों का, बिहार और बिहार ब्रांड, बिहार के लोग जो जाएंगे तो अब बिहार के लोग नहीं लौटेंगे, अपनी मिट्टी को मजबूत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।